In real beam, if deflection is maximum, then digest is maximum in conjugate beam. अभी last question में आपको बताया क्या होगा इसका answer? यहाँ पर deflection ज़्यादा है, then the answer will be bending moment. Consider करो एक cantilever beam है, हमें पता है F free end पे deflection ज़्यादा होगा, लेकिन हम इसको अगर conjugate करते हैं, conjugate में क्या change होता है? Fixed support free हो जाता है and free support और free end fixed हो जाता है, तो हमें पता है यहाँ पे fixed end moment आएगा maximum, तो conjugate beam में bending moment maximum है, therefore deflection maximum है, तो इसका answer है bending moment. ठीक है. Question number 13. In cantilever beam, if moment M occur at free end, the slope is dash dash. तो एक cantilever beam है, यहाँ पे एक moment act हो रहा है M, तो इसका slope आएगा ML upon EI. तो इसका answer है ML upon EI. Then next question. Again same previous question है, लेकिन इसमें उन्होंने deflection पूछा है. तो deflection के लिए आपको power बढ़ेगी, तो इसका answer आएगा ML square upon 2EI. तो यहाँ पे answer दिया नहीं है, तो ये question invalid है. तो this is your correct answer. तो आपको ये answer याद रखना है, बहुत बार ये exam में पूछते हैं. ठीक है. Next question. Question number 15. For a fixed beam carries entire UDL, fixed end moment is die dash. अभी ये जो fixed beam के problems है, ये बहुत important problem है. हमें पता है कि हमारी जो beam है दोनों side fixed होती है. हमेशा याद रखो, हमारे घर में भी जो structure construct करते हैं वो हमेशा continuous होते हैं, नहीं तो fixed ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पे automatic moment create होनी चाहिए. तो ये मोमेंट क्या करेगी, यहाँ पे सपोर्ट, देखो ये सपोर्ट, लेट से ए सपोर्ट है, तो यहाँ पे मोमेंट क्रिएट हो रही है. ये बी सपोर्ट है, यहाँ पे मोमेंट क्रिएट हो रही है. दिस आर कॉल्ड फिक्स्ड एंड मोमेंट्स. और ये जो बीच में रहता है इसको हम फ्री एंड फ्री बीएमडी बोलते हैं. दिस इज योर फ्री बीएमडी. तो ये फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या करता है, आपका बेंडिंग कम करता है. अगर बेंडिंग कम होगा तो वहाँ पे हमें स्टील कम लगेगा. ये हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन दैट इज आरसीसी में हम इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है. ठीक है. तो आपको बस यहाँ पे यूडीएल दिया है, फिक्स्ड एंड मोमेंट इज डैश डैश. तो ये जो ये मोमेंट पूछा है, तो ये मोमेंट आता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12. अगर वो पूछते हैं व्हाट इज फ्री बीएमडी वैल्यू, देन ये आंसर आएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8. तो हमें क्वेश्चन ठीक से देखना है. अगर फ्री बीएमडी पूछते हैं UDL के लिए, तो इसका आंसर है WL square by 8. लेकिन अगर वो फिक्स्ड एंड मोमेंट पूछते हैं, इट में भी लेफ्ट सपोर्ट राइट सपोर्ट, उसका आंसर है WL square by 12. तो ये आंसर है WL square by 12. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. फॉर अ फिक्स्ड बीम कैरिंग एंटायर UDL नेट मोमेंट. ओके, नाउ यहाँ पे उन्होंने नेट मोमेंट पूछा है. तो एक फिक्स्ड बीम रहेगा, अभी मैंने इसको फ्री किया, तो इसका फ्री बीएमडी इतना होगा, तो ये वैल्यू होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8. दिस इज फ्री बीएमडी वैल्यू, पिछले वीडियो में हमने किया है. एंड व्हाट इज फिक्स्ड एंड मोमेंट, वो होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12. ये होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12. तो उन्होंने ये पूछा है, ये क्योंकि इतना ही बचेगा आपका ये पोर्शन, दिस इज अ, यहाँ पे हमें स्टील डालना होता है. तो उन्होंने ये पूछा है ये कितना है, तो ये कितना आएगा, एज यूजल आपको बस माइनस करना है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12. तो इसमें से हम डब्ल्यू एल कॉमन लेंगे एल स्क्वायर, तो यहाँ पे एल से हम कितना आएगा 96, देन 4, सो इट इज कमिंग टू 1/24. तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर है नन ऑफ दिस. एक्चुअल में इसका आंसर कितना होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 24. आप इसको बाद में सॉल्व करो, यूल गेट सेम आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. फॉर अ फिक्स्ड बीम कैरीज पॉइंट लोड एट सेंटर,
एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, पॉइंट लोड W एट सेंटर, तो ये फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना होगा, ये होगा WL बाय 8। एंड अगर फ्री BMD पूछेंगे तो ये कितना होगा, WL बाय 4। ओके, तो इसका आंसर है WL बाय 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फॉर फिक्स्ड बीम कैरिंग पॉइंट लोड एट सेंटर एंड UDL, अभी उन्होंने दिया है कि एक फिक्स्ड बीम है आपको, उसके ऊपर UDL भी है एंड सेंटर पे पॉइंट लोड भी है, तो हमें फिक्स्ड एंड मोमेंट, ये मोमेंट निकालना है आइदर एट ए सपोर्ट और एट बी सपोर्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, इट इज़ अ कम्बाइंड केस, तो हमें पता है पॉइंट लोड के लिए होता है WL बाय 8 प्लस UDL के लिए होता है WL स्क्वायर बाय 12, तो कम्बाइंड आंसर इज फर्स्ट वन।